बड़ी खबर इस बीच उधम सिंह नगर से, जहां पर पुलिस विभाग को वेतन नहीं मिला है। दरअसल बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी है और इसी के कारण वेतन ही रुका हुआ है। तो आर्थिक तंगी से पुलिस कर्मचारी फिलहाल जूझ रहे हैं। कुछ पुलिस कर्मियों का हालांकि कहा जा रहा है कि वेतन आ चुका है। ये SSP का कहना है कि कुछ पुलिस कर्मियों का आ चुका है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी हो गई है, जिसके चलते कुछ लोगों का जो वेतन है, कुछ पुलिसकर्मियों का जो वेतन है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन इस के चलते फिलहाल आर्थिक तंगी से ये पुलिस कर्मचारी जूझ रहे हैं। संज्ञान में आया है मामला कि जो हमारे द्वारा ट्रेजरी को प्रेषित की गई थी सूची सैलरी की, जो मंथली की जाती है, वो ट्रेजरी से पास होके जहां फाइनल पेमेंट होना है RBI में, वहां के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आई है। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर जो हैं उनके संपर्क में हम लोग हैं, वो कह रहे हैं कुछ लोगों की ही सैलरी आ पाई है, बहुत कम लोगों की, और पुलिस और PWD विभाग की अभी कंप्लीट नहीं आ पाई है। मंडे में, क्योंकि अभी छुट्टी के 2 दिन हैं, तो मंडे में पुनः इसमें प्रयास किया जाएगा, और अगर नहीं आती है तो फिर मेरे द्वारा शासन में इस अवगत कराया जाएगा, सचिव साहब से बात की जाएगी।